हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश श्रीमार, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन मई 22 टू एग्जाम्स, जिसके लिए अभी अराउंड 100 डेज ही बचे हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कुछ कॉमन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने इस जर्नी के दौरान, जो आपको मई 22 में जो आपको एग्जाम देनी है। उसमें मैंने कॉमन पॉइंट्स बताए थे फॉर सीए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल एज वेल। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी और गाइडेंस मिले कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मुझे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम अभी से, आज से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हम मई 2022 में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। तो उसका जवाब है, आंसर है, इज परफेक्टली यस, क्योंकि अभी आपके पास अराउंड 100 डेज है और 100 डेज आर इनफ टू कंप्लीट योर क्लासेस एज वेल एज योर सेल्फ स्टडी फॉर सीए फाउंडेशन एटलीस्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने 12th जो है वो अच्छे से करी थी, अगर आपका आप थोड़े अकाउंट्स में आप ठीक ठाक हो, इकोनॉमिक्स में आप ठीक ठाक हो, और अगर आपने मैथ्स ली थी तो उसमें आप ठीक ठाक हो, तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर फाउंडेशन विद गुड मार्क्स अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेना। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट करने पड़ेगी, जब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्लासेस आर जस्ट मेंट फॉर योर गाइडेंस कि आपको कैसे पढ़ना है या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस के लिए। जो मेन जो काम आता है वो आपका ही आता है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, आपको रिविजन्स करने पड़ते हैं, आपको मॉक टेस्ट वगैरह देनी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आप क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैं भी यही फॉलो करता था, मैं भी यही करता था कि आई यूज टू कंप्लीट माई क्लासेस एज सून एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही टीचर, हमारे जो कोचिंग टीचर्स होते थे वो जैसे क्लासेस कंप्लीट करवाते थे, आई यूज टू कंप्लीट दैट ऑन दैट टाइम, एट दैट टाइम ओनली, सो दैट आई गेट मैक्सिमम टाइम फॉर माई रिविजन। मेरे पास कुछ बैकलॉग नहीं रहता था, हालांकि फाइनल में भी है मेरे पास, लेकिन फाउंडेशन और इंटर में मेरे पास बैकलॉग नहीं रहता था। सो दिस वॉज जस्ट फॉर, अगर आप मतलब अगर आपने क्लासेस नहीं लिए, या तो फिर आपने क्लासेस नहीं लिए इन द सेंस कि आपने फाउंडेशन में पहले भी अटेम्प्ट दिया हुआ है तो आप सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे हो, या फिर आपने क्लासेस ले ली और आपने अभी तक कंप्लीट भी कर लिया, कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले क्लासेस ले लेते हैं तो उनकी क्लासेस या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए 4 revisions का। तो 4 revisions इन द सेंस, मैं क्या करता था, मैं एक सब्जेक्ट लेता था, उसको 6-7 दिन देता था, एंड देन मैं दूसरा सब्जेक्ट लेता था एक मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद। सो दैट ऑल, सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रिवीजन के लिए एक सब्जेक्ट को 15 दिन दे, फिर उसका मॉक टेस्ट दे, और फिर 15 दिन दूसरे सब्जेक्ट को दे, फिर उसका मॉक टेस्ट दे। तो ऐसे करके आपका पहला रिवीजन है वो 2 महीने में कंप्लीट होगा, दैट इज 60 डेज। देन यू कैन गिव 5-5 days टू ईच सब्जेक्ट, मतलब आपको ये ड्यूरेशन जो है वो कम करना है, क्योंकि आपको लास्ट में एग्जाम तो डेढ़ दिन के बाद ही देनी है, मतलब 1.5 days के बाद ही आपको हर एग्जाम देनी है। सो पहले आपको 15 days देने हर एक सब्जेक्ट के लिए, देन 5 days, देन 3 days, एंड देन 2 days। तो आपका ऐसे करके 4 revision हो जाएंगे, और वो भी 100 days के अंदर। और इसमें एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर रिवीजन के बाद जो है वो आपको मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे पेपर को 3 घंटे के अंदर कंप्लीट किया जाता है, एंड कहाँ पे आप यूजुअली मिस्टेक्स करते हो, एंड कहाँ पे आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप ICAI के एग्जाम को मॉक टेस्ट पेपर एज अ मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो इसमें आपके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सीए फाउंडेशन में तो मतलब कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है, तो कोई मॉक टेस्ट पेपर भी नहीं देता, एंड दैट्स व्हाई दे फेल। और जो मॉक टेस्ट पेपर दे देते हैं उनको खुद को पता है कि व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो फाउंडेशन का, मतलब आपने पहले भी कोई अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो जस्ट रिमेंबर कि आपने कभी मॉक टेस्ट पेपर दिया भी था क्या सीए फाउंडेशन का, और अगर आपने नहीं दिया था तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई यू आर गिविंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। इट मे साउंड हार्श, लेकिन दैट इज द रियलिटी टू। और रिविजन्स का भी कंसिडर कर लेना कि आपने कितने रिविजन्स किए थे, कितनी बार ICAI मॉड्यूल पढ़ी थी, अगर क्योंकि एटलीस्ट 3 times रिविजन जो है वो हर एक लेवल पे सीए फाउंडेशन के जरूरी, CACA के जरूरी होता है, एंड प्लस द ICAI मॉड्यूल टू। तो इसमें और चीज़ें आती है कि फाउंडेशन में क्या होता है, हमको बहुत डरा दिया जाता है क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब हमें ज़्यादा सीए को उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो हम कोचिंग टीचर्स जो भी हमें बोलते हैं वही हमें सही लगता है। तो इफ कोचिंग सी बहुत सारे कोचिंग टीचर बोलते हैं कि सीए फाउंडेशन मतलब सीए हार्ड है, एंड
इट्स डिफिकल्ट टू क्लियर सी ए फाउंडेशन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे लॉ है, यू हैव मैथ्स ऑल्सो, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया था 12th में तो अब आप क्या करोगे, आप है ना लॉ या मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे और बाकी दोनों सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे, जिसकी वजह से आपका लॉ और मैथ्स तो हो भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको पढ़ने में, मतलब आप सिर्फ उसको पहली बार रीडिंग में इतना टाइम लगा देंगे कि आप उसका रिविजन भी नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से आप दूसरे दोनों सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो जिसकी वजह से आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत कम जा सकता है, या तो फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एलोकेट इक्वल टाइम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब मैं तो ये करता था कि आई यूज टू एलोकेट इक्वल टाइम, मैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता था, इवन इन फाउंडेशन एंड इवन इन इंटरमीडिएट। सो एंड दूसरी बात यह है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको डराएंगे कि सीए फाउंडेशन हार्ड होता है, या फिर इसमें इतना सारा लिखना पड़ता है कि 3 घंटे में पेपर कैसे होगा। अगर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है रिवीजन के बारे में, 3 to 4 times रिवीजन, क्लासेस जल्दी कंप्लीट करना, मॉक टेस्ट पेपर्स देना एटलीस्ट 3 to 4, और ICA मॉड्यूल पढ़ना, अगर आप ये सिर्फ छोटी छोटी 3-4 चीज़ें भी फॉलो कर लोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फाउंडेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ही आपके सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ऐसे लाइटली लेते हैं कि भाई चलो करके देख लेते हैं कि सीए फाउंडेशन हो गया तो फिर आगे सीए कर लेंगे, नहीं हुआ तो अपने पास है ही कुछ और करने के लिए। सो अगर आप वैसे एटीट्यूड से देते हो, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई नहीं करते हो, डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं करते हो, तो यू आर गोइंग नो वेयर इन सीए फाउंडेशन। हाँ, मतलब बाय लक बाय चांस, या फिर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ था तो इसकी वजह से आप पास हो सकते हो, लेकिन आगे आप कहीं नहीं जा सकते सीए इंटर क्लियर करके। सो डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हो तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से मेरे पास आपको बताने के लिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बताने के लिए इतना ही था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके लिए भी एप्लीकेबल है और जो इससे ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू, बाय।